पिछला दिन आप देख रहे थे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज दूसरा टाइप देखिए। तो दूसरा टाइप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? वो था ऑर्बिट वाइज, 2 8 2 8 8 करके जो था वो था ऑर्बिट वाइज। हाँ हो सकता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, और यदि उससे आगे होगा 36 से आगे तो आप इसकी मदद से भी लिख लीजिएगा। लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इज कॉल्ड सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये अफबाउ प्रिंसिपल क्या है ये ही नहीं डालिए। देखेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड अप फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एनर्जी। अब यहां ये क्या लिखा हुआ है पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहेंगे? अलग अलग सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार सजाना या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसमें अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें बढ़ेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे सब ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है सब ऑर्बिट थोड़ा। देखिएगा इधर ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ये है थर्ड ऑर्बिट। ध्यान दो इधर सब ऑर्बिट समझो, ये है ऑर्बिट, ये भी है ऑर्बिट, ये भी है ऑर्बिट। हम लोग जो सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से चक्कर लगाता है और इसी पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम जो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाता है ये बात सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो कुछ इस तरह से चक्कर लगाता है, देखिएगा कुछ इस तरह से चक्कर लगाता है। तो आप एक बात बताइए, इस ऑर्बिट के अंदर भी एक ऑर्बिट का निर्माण नहीं हो रहा है? इसी को क्या कहा जाता है सब ऑर्बिट।
सब ऑर्बिट, चार तरह का नॉन सब ऑर्बिट है, जैसे आप एस का नाम सुने होंगे, पी का नाम, डी का नाम और एफ का नाम, चार तरह के सब ऑर्बिट्स नॉन है, एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट और एफ सब ऑर्बिट। देखना इधर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में केवल एस सब ऑर्बिट होता है, इसके बाद दूसरा सब ऑर्बिट, दूसरा सब ऑर्बिट में दो तरफ, पहला ऑर्बिट में केवल एस सब ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट में दो तरह का सब ऑर्बिट होता है, एक होता है एस और एक होता है पी, तीसरा में होता है एस पी डी, चौथा ऑर्बिट में होता है एस पी डी एफ, पांचवा ऑर्बिट में होता है एस पी डी एफ और एक जी, होता था सब ऑर्बिट सात एस पी डी एफ जी एच आई तक, लेकिन काम आपका चल जाएगा एस पी डी और एफ से ही, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और सुनेंगे, ये एस किस ऑर्बिट का है, फर्स्ट ऑर्बिट का, ये एस सेकेंड ऑर्बिट का, इसीलिए इसको कहते हैं वन एस, इसको क्या कहा जाएगा, इसको 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 फाइव एस। पी कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकेंड से, इसको वन पी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टू पी, जिस ऑर्बिट का रहेगा वो नंबर और बाद बाकी उसके साथ सब ऑर्बिट, इसको 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 क्या बोलेंगे, थ्री थ्री डी, इसको इसको फोर इसको फोर एफ, इसको फिर ये फाइव जी, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे ना, तो इसमें आएगा सिक्स एस, सिक्स पी, सिक्स डी, सिक्स एफ, आगे ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये सब जो है ना, ध्यान देना इधर, ये सब जो है सब ऑर्बिट का नाम, वन एस टू एस टू पी, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ। आप एक चीज गौर कीजिए, जैसे जैसे हम कक्षा चेंज करते गए हैं वैसे वैसे एक एक सब ऑर्बिट उसमें जोड़ता चला गया है या बढ़ता चला गया है, पहला में केवल एक सब ऑर्बिट, दूसरा में दो सब ऑर्बिट, तीसरा में तीन सब ऑर्बिट, चौथा में चार, पांचवा में पांच, छठा में छः। तो इसको इस तरह से लिखने से थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, इसको हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, पहला में कौन था बताओ, वन एस, दूसरा में टू एस और टू पी, तीसरा में थ्री एस थ्री पी थ्री डी, चौथा में फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ, पांचवा में फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ, हम फाइव जी भी लिख देते हैं, जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, छठा में सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ सिक्स जी सिक्स एच, सेवन एस सेवन पी सेवन डी सेवन एफ सेवन जी सेवन एच सेवन आई। ध्यान देना, सबसे कम इनर्जी होता है वन एस का, उसके बाद टू एस का, उसके बाद टू बी, फिर थ्री एस का, फिर थ्री पी फोर एस का, कुछ इस तरह से। हम यहाँ पर लिखते हैं इनर्जी ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, बताइए सबसे कम इनर्जी किसकी, सबके सबसे पहले तीर किसमें गया है, वन एस में, इससे ज्यादा एनर्जी फिर टू एस में, बताइए टू एस के बाद थ्री एस, नहीं उल्टा जाइए, टू पी उसके बाद थ्री एस, टू पी और फिर थ्री एस, बताइए अब आगे बताओ, तो थ्री एस यहाँ, थ्री एस के बाद किसका, उल्टा जाइए, यहाँ तक आ गए ना, अब इस लाइन में जाइए पीछे से, क्या आएगा, थ्री पी, थ्री पी के बाद फोर एस,
उसके बाद बताओ तो, ये लाइन खत्म हो गया तो अगला लाइन में आओ पीछे से, क्या होगा? 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, ये रेल लाइन खत्म हो गया अगला लाइन में आओ पीछे से, क्या होगा? 4D, 5P, 6S, 4F, 4F के बाद 5D, 6P, 7S, 7S के बाद 5F, 6D, 7P। इससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतने यही काफी। तो आप एक काम कीजिए, लिखिए तो यहां से इसको लिखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ऑर्डर। यहीं से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो जो 1s22 s22 p6 3s2 बोलते हैं वो सब यहीं से निकलता है। रेगुलर क्लास में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया था, और भी बहुत सारी बातें इसमें आई थी, लेकिन जो जरूरत का चीज है वो यही है। तो इस ऑर्डर को उल्टा पुल्टा मत उतार लेना, नहीं पूरा गलत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया लिखा हुआ, अब सुनिए इधर, एक और चीज आप इसमें लिख लीजिए, सब ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जब भी एस रहे तो उसमें आप 2 से ज्यादा नहीं दे सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं, डी में 10 से ज्यादा नहीं, और एफ में 14 से ज्यादा नहीं। जैसे आपको याद होगा, पहला कक्षा का क्षमता 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नहीं होता था, दूसरा का क्षमता
फर्स्ट ऑर्बिट में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, सेकेंड ऑर्बिट में एट से ज्यादा नहीं। उसी तरह से एस में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहले ऑर्डर में कौन आता है, 1s, और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक, काहे कि s में आप एक से ज्यादा नहीं डाल सकते। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब बताए 1s3 कर दें क्या, ये गलत है। क्यों गलत है, एस में दो से ज्यादा नहीं डाल सकते, गलत हो जाएगा ये। तो ये 1s2, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगला में जाइए ऑर्डर में, देखिए कौन है अगला, 2s, तो क्या हो जाएगा, 2s2 नहीं होगा, 2s1। तब ना दो एक तीन करेंगे, कितना कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 3। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2b 1। बताइए ताकि ये P2 P3 ऐसे नहीं बढ़ता चला जाएगा, लिखेंगे इसको। नहीं देखिए कोमा का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कोमा का कंसेप्ट नहीं है। जब जब ऑर्बिट चेंज होगा ना तब तब कोमा का यूज करते हैं। जैसे देखो 1s 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पर कोमा नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा, लेकिन बाद में ये हमेशा मिसमैच हो जाता है ऑर्डर, लगातार ऑर्बिट आता नहीं है साथ में, तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचने के बाद हम थोड़ा छोड़ के बताते हैं, क्या कि 6 7 8 ये सब तो कर सकते हो ना खुद से, ये होमवर्क दिया जाएगा आगे, पहले आप बीच बीच से सीख लीजिए। चेंज करें इसको, देखो जैसे हमको क्लोरीन का लिखना है एटॉमिक नंबर 17, तो वो ऑर्डर जो तुम्हारा लिखा हुआ है इनर्जी ऑर्डर, उसको सामने में लाओ, निकालो पहले, इनर्जी ऑर्डर है ना, बताओ उसमें सबसे पहले कौन, 1s, दूसरा, फिर s रहेगा तो 2, p रहेगा तो 6, d रहे तो 10, f रहे तो 14 देना है, और लास्ट में
जितना में अरेंज हो जाए। जैसे देखो, चलो बताओ तुम, एस में कितना, दो, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा?